हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो पेपर स्टार्ट हुआ है, मेजर माइनर वाला साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर आपके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, और ये टाइमिंग जो है वो 3 घंटे की है और 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है। 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और सभी के अंक समान हैं। 15-15 नंबर के आपके क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन में टिप्पणी या विवेचना करनी है, जिसमें पहला क्वेश्चन ए जो है, मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में आपको इसकी विवेचना करनी है इस कथन की, और मनोविज्ञान के लक्ष्य एवं कार्य क्षेत्र। और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उनमें मनोविज्ञान में निम्नलिखित प्रयुक्त विधियों की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। पहला जो है वो आपका प्रयोगात्मक विधि है, दूसरा है अवलोकन विधि। इन दो विधियों को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मनोविज्ञान में निम्नलिखित दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। सबसे पहला है मनोविश्लेषण, और दूसरा है व्यवहारवादी। इन पर आपको, इन दृष्टिकोणों की विवेचना आपको करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी होगी, जो कि पहला क्वेश्चन है चयनात्मक एवं संहृत अवधान, और क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का पार्ट 2 जो है वो है प्रत्यक्षीकरण में प्रत्यक्षात्मक संगठन, और क्वेश्चन नंबर 5 है स्मृति प्रक्रियाओं की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए और उसके संरचनात्मक प्रारूप की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए, जिनमें सबसे पहले जो है नैमित्तिक अनुबंधन आपको इस पर व्याख्या करनी है, और दूसरा पॉइंट जो है वो वाचिक अधिगम, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये दोनों क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे तभी आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है निम्न की व्याख्या कीजिए, आगमनात्मक तर्कना, और क्वेश्चन नंबर 2 है निगमात्मक तर्कना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 संवेग के क्लासिकल सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए, क्लासिकल सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, और आप दोनों क्वेश्चन ए और बी दोनों अटेम्प्ट करेंगे तब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अभिप्रेरकों के प्रकार और अभिप्रेरणात्मक चक्र, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। तो आपको वर्णन करना है, ये दो टॉपिक हैं जिनका आपको वर्णन करना है, चिंतन में संज्ञानात्मक मानचित्र की भूमिका, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है संवेगों में दैहिक परिवर्तन। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनको भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का नॉलेज हो सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और उम्मीद है आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा, और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। अधिक जानकारी लेने के लिए आप मेरा टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो के प्लेलिस्ट जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बीएससी, बीएड, एमए, एमकॉम, ये सभी प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से भी वीडियोस ले सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलूंगी अगले वीडियो में।